औद्योगिक क्षेत्र में आज बड़ी संख्या में किसानों ने मुआवजे को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने 281 किसानों की कुल 400 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की थी, जिसका कुल मुआवजा 319 करोड़ देना शेष है। लेकिन किसानों का कहना है कि आज तक हमें मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से कई बार आश्वासन दिया और तारीखें भी दी गई, लेकिन अभी तक किसानों के पास कोई पैसा नहीं पहुंचा है। मुआवजा राशि नहीं मिलने से नाराज होकर आज हम बड़ी संख्या में खेड़ा, बरदरी और काली बिल्लौद गांव के हजारों किसान आज धरना प्रदर्शन में यहां पहुंचे। धरना प्रदर्शन महू नीमच मार्ग स्थित अप्रैल पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सामने रखा गया। शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया गया। जय जवान जय किसान के नारों के साथ SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों ने जल्द मुआवजा देने की मांग की है और साथ ही प्रशासन को चेताया है कि अगर उन्हें समय पर मुआवजा नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की रहेगी। प्रशासकीय अधिकार वीरेंद्र कटारे का कहना है कि बहुत जल्द 20 अगस्त के आसपास किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। वहीं इस किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जायसवाल सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। किसान आंदोलन को देखते हुए एहतियात के तौर पर मौके पर भारी पुलिस बल लगा दिया गया था। ये किसान आज यहां इकट्ठे हुए थे, बरदरी के किसान हैं, जमीन शेष में गई है। मुआवजा के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ है, मुआवजा इनको मिलना है, बाकी का मुआवजा मिलना है। गवर्नमेंट के प्रोसेस में फाइल है, जल्दी से जल्दी जो बकाया मुआवजा है इसको मिल जाए। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय ने 9/8/2017 को यह आदेश किया था कि 3 महीने के अंदर पूरे ब्याज सहित पैसा पूरे किसानों को मिल जाना चाहिए, लेकिन 3 महीने के तो ठीक है 3 और 8 11 महीने हो चुके हैं। 11 महीने हम किसानों को हमारा पैसा नहीं मिला है। अभी 8 तारीख लगी थी माननीय धार न्यायालय में, उसमें भी आश्वासन दिया गया है और अधिकारियों ने लिख के दिया है कि हम 20 तारीख तक पैसा जमा कर देंगे। माननीय SDM साहब पधारे थे बिहार, उनको अपने ज्ञापन दिया है, उन्होंने भी हमको 20 तारीख तक का आश्वासन दिया है। और जिस प्रकार से उन्होंने बात की, लगता है कि वास्तव में कुछ करेंगे वो। अगर 20 तारीख तक हमारे किसानों को पैसा नहीं मिला तो हम वापस उग्र आंदोलन के लिए हम मजबूर होंगे। हम भी चाहते हैं सरकार से कि हमारा पैसा, हम किसानों का पैसा, वो जल्दी से जल्दी 20 तारीख के पहले हमको चुका दे, वरना हमको फिर उग्र आंदोलन पे कर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिवस हमने बताया था पिछली बार कि हम 8 तारीख को हमारा पेमेंट आ जाएगा तो हम धरना नहीं करेंगे, लेकिन आज 10 तारीख है और हमने पहले ही 10 तारीख का शासन को बता दिया था कि हम 10 तारीख को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों की 400 हेक्टेयर जो जमीन ACZ के जो अप्रैल पार्क में गई हुई है उसका 300 करोड़ के लगभग का मुआवजा है, वो अभी तक हमारे खाते में नहीं आया है। उसके कारण आज हमने 10 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। उसी धरना प्रदर्शन में धार जिले से SDM साहब, कलेक्टर साहब के कारणवश नहीं आ पाए। SDM साहब आए, उन्होंने वापस हमारा धरना लिया है, धरना प्रदर्शन का लेटर लिया है और उन्होंने आने वाली जो तारीख हमारी 20 जो कोर्ट ने शासन को दी है, उन्होंने सबका अवगत करवाया है कि आने वाले समय में हम आपका जल्दी से जल्द 15 से 20 दिन के अंदर पेमेंट करवा देंगे। हम किसान 15 से 20 दिन में हमारा पेमेंट आ गया तो ठीक है, नहीं तो आने वाली जो 1 तारीख है, अभी हमने SDM साहब को भी यही दिया है, 1 तारीख को हम फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र होगा। आपका नाम? परमेश्वर रघुवंशी, किसान, बरदरी।